Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to the session of PIB 24/7. Main hu Manish Mishra and guys, in today's session we are going to discuss about the BRICS innovation base in China. BRICS innovation base in China. Also we are going to discuss about usage of satellites for farm credits. ICICI bank ne shuru kiya hai usage of satellites for farm credit, okay? And also we are going to discuss about the Tri-Food project. All right, so do watch the complete session and spread the knowledge. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड टू टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स अंडर ट्राई फूड प्रोजेक्ट वेयर. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने दो टर्शरी फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स ओपन किए हैं अंडर ट्राई फूड प्रोजेक्ट. तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे वो दो टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को ओपन किया गया है, ओके? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो गाइस, रिसेंटली ट्राइबल अफेयर्स विच इज हेडेड बाय मिस्टर अर्जुन सिंह मुंडा, his Lok Sabha constituency is Khunti in Jharkhand. Okay, so this ministry has launched two tertiary processing centers under Tri-Food project in Chhattisgarh and Maharashtra. Chhattisgarh aur Maharashtra mein open kiya gaya hai, and these processing centers will enhance the income of tribal forest gatherers by adding value to non-timber forest products collected by them. Jo tribal forest gatherers hai, jo unka collection hai of the non-timber forest products, उसमें वैल्यू एडिशन का काम करेंगे ये टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, ओके? एंड ये जो ट्राईफूड प्रोजेक्ट है गाइस, इट सीक्स टू इंप्रूव द इनकम ऑफ ट्राइबल्स विद द हेल्प ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स. जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनकी बेटर प्रोसेसिंग कर दी जाएगी और जिससे कि जो ट्राइबल्स है उनकी इनकम में इजाफा होगा, उनकी इनकम जो है इंप्रूव होगी. एंड दिस प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय ट्राइफेड विद एसोसिएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ओके? एंड अगर हम ट्राइफेड की बात करते हैं, सो गाइस, ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987 एज द नेशनल नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव आर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, उनका इकोनॉमिक वेलफेयर का प्रमोशन, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल विद नॉलेज, टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग. सो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल हैं उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का काम है ट्राइफेड का, उनके इकोनॉमिक वेलफेयर को इम्प्रूव करना है, उनकी ट्राइबल पीपल को एम्पावर करना है विद नॉलेज, टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन, ओके? सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्राइफेड. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर 1 and 2. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज लॉन्च्ड द स्वास्थ्य पोर्टल, ओके? एंड दिस पोर्टल प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ ई न्यूज़पेपर जिसका नाम है आलेख, ओके? ई न्यूज़पेपर लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जिसका नाम क्या है आलेख, एंड ये भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जानकारी देता है ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज गोइंग टू ओपन 9 म्यूजियम्स, ओके? ये 9 म्यूजियम्स खोलेंगे विच आर डेडिकेटेड टू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. एंड ऑल्सो एक और पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके? एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सो दीज आर सम करंट न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़, सो ऑन द वर्ल्ड ट्राइबल डे छत्तीसगढ़ हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मितान योजना. ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में. इंदिरा वन मितान योजना वॉज लॉन्च बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो रिसेंटली गुरु घासीदास नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, ओके? एंड इसके अलावा हमने पढ़ा था दैट इन द छत्तीसगढ़ इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत वॉज कंडक्टेड, ओके? इंडिया की पहली ई लोक अदालत को कंडक्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में. एंड इसके अलावा आप सबको याद होगा देर वॉज वन स्पंदन कैंपेन, ओके? स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया गया था ताकि जो पुलिस पर्सोनल है उनके सुइसाइड के जो केसेस आते हैं काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में, उन पे रोक लगाई जा सके. सो दिस इज सम न्यूज अबाउट छत्तीसगढ़, ओके? एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. द क्रिसिल रिपोर्ट हैज गिवन सम स्टेटमेंट्स अबाउट द एवरेज इनकम ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इन शॉर्ट इज मनरेगा ड्यूरिंग COVID-19 लॉकडाउन. So question is, what is not correct about the statements of this report? So question number 2 and 3 both are based on this report. So recently guys, CRISIL ki report ne ye bola hai that average income of Manrega has doubled during the coronavirus lockdown to around ₹1000 during the first quarter of this financial year. Is financial year ka jo pehla quarter tha usme coronavirus lockdown ke samay mein jo Manrega workers hai unki jo average income hai
वो डबल हो गई है एज पर दिस रिपोर्ट। सो दिस इज क्वाइट गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि जो मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनकी जो इनकम है डबल हो गई है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज भी कही जा सकती है, बिकॉज मनरेगा में अब काफी ज्यादा लोग एनरोल हो चुके हैं और ऑब्वियसली मनरेगा में वही एनरोल होगा जिसके पास कोई रूटीन वर्क नहीं है। ओके, सो दिस इज अ मिक्स्ड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंक्रीज, तो 46% ऑफ ग्रोथ इज देयर इन द वर्क इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द अप्रैल टू जुलाई पीरियड। एवरेज पर डे वेज जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 12%। एलोकेशन ऑफ वर्क हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज बाय 50%। ओके, सो देर हैज बीन एन इंक्रीज इन एवरी स्फीयर ऑफ द मनरेगा। और जो अगर हम इंक्रीमेंट के रीजन की बात करें, दैट व्हाट आर द रीजन, सो हम सबको पता है दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी एंड दे स्टार्टेड माइग्रेशन टू देयर होम। वो अपने वापस घर की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी वजह से अब क्योंकि उनके घर पे जाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मनरेगा का काम करना स्टार्ट किया और जिसकी वजह से जो मनरेगा की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, या यूं कहें कि जो मनरेगा में जो वर्क है वो ज्यादा होने लगा। ओके, एंड इसके अलावा जो एलोकेशन हुआ था इन द यूनियन बजट 2020-21 में, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया था इन द मनरेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जा सके अंडर दिस एक्ट। ओके, और 2020-21 में कितना एलोकेशन था गाइस, ₹61,500 करोड़। एंड इसके अलावा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ₹40,000 करोड़ और एलोकेट कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट मनरेगा, सो इट वॉज एनएक्टेड इन द ईयर 2005 एंड इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी विद वेजेस टू द एडल्ट अनस्किल्ड मेंबर्स ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज दीज 100 days टू आइदर 150 or 200, या तो 150 दिन कर दिया जाएगा या 200 days कर दिया जाएगा, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इस चीज पे थोड़ा सा अभी ब्रेक लग गया है, अदरवाइज ये अब तक में हो जाता। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है, क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स लाइक रोड्स, कनाल्स, पॉन्ड्स एंड वेल, ये कुछ काम है जो कि मनरेगा के अंतर्गत किए जाते हैं। एंड क्रिसिल की बात करें, सो इट इज द फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इट वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश इन द ईयर 1987। Why I'm saying also, because अभी हमने recently पढ़ा that Trifed was also established in 1987. It is associated with providing ratings, conducting research, risk and policy advisory service, और ये कहाँ पे located है, मुंबई में। Okay, so now let's move on to question number 2 and 3. So question number 2 is, what is not correct about the statements of this report? About 46% of growth in work implementation, yes, this is absolutely correct. Average per day wage showed an increasing trend of 12%, yes, this is also correct. Allocation of work has been decreased by 50%. No, guys, it has been increased by 50%. And average per day wage showed an increasing trend of 15%. नहीं, तो ये भी गलत है, ये सही है, 12% का increase हुआ है. So therefore, the correct answer should be what? Option E. Both C and D are incorrect. Okay. And question number 3 is, what is correct about the allocation of Manrega in the budget 2020-21? So ₹61,500 crores. Yes, this is correct. And later increased the allocation by ₹60,000 crore. No, बाद में कितना बढ़ाया था? Under the आत्मनिर्भर पैकेज 40,000 crore. So जो हमारा second statement है, that is incorrect. So therefore the correct answer should be 1 is correct, but 2 is incorrect. Option A. Okay. And now let's move on to question number 4. So question number 4 is about the usage of satellites in the farm credit. So question is, which bank has announced the introduction of usage of satellite data imagery from Earth observation satellites to assess the credit worthiness of its customer belonging to the farm sector? Basically, इसमें होगा क्या कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनकी जो इमेजेस है उसका इस्तेमाल करके ये चेक किया जाएगा कि जो भी हमारे फार्म सेक्टर के कस्टमर्स हैं, जो भी इस बैंक के फार्म सेक्टर के कस्टमर्स हैं, उनकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, उनकी क्रेडिट वर्थीनेस को असेस किया जा सकेगा। एंड दिस बैंक गाइस इज ICICI. ICICI CEO इज मिस्टर संदीप बख्शी। ओके, संदीप बख्शी इज द सीईओ ऑफ ICICI। एंड IPAL का आपने नाम सुना होगा, IPAL इज द नेम ऑफ द चैटबॉट ऑफ ICICI बैंक। एंड सिमिलरली अदर बैंक्स हैव आल्सो देयर चैटबॉट्स, लाइक ईवा है HDFC का, आप सबको पता होगा ईवा इज द चैटबॉट ऑफ HDFC, सिया, SBI। इसके अलावा आपने किया का नाम सुना होगा, किया इज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। सो दीज आर द नेम ऑफ चैटबॉट्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। ओके, एंड द न्यूज इज दैट the ICICI Bank has announced the introduction of usage of satellite data imagery from earth observation satellites, ताकि वो अपने farm sector के जो customers हैं उनकी credit worthiness को assess कर सके। And this is the first bank to do so in India and among a few globally to do so.
एंड इसमें होगा क्या, द बैंक विल यूज द डेटा टू मेजर एन एरे ऑफ पैरामीटर्स रिलेटेड टू द लैंड इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्न्स, कि जो वो फार्मर है उसका लैंड की लैंड पे जो उसके क्रॉप्स हैं उसका पैटर्न क्या है, उसके पास इरिगेशन के टूल्स कैसे कैसे हैं, उसके लैंड का जो मेजर है वो कितना है, लैंड कितना है उसके पास, तो इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स है जिनको मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस जो कि डेटा सेंड करेंगी, एंड द डेटा वुड बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू मेक फास्टर द लैंडिंग डिसीजंस। ओके, एंड इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो बेनिफिट सबसे पहला ये होगा कि जो लैंड वेरिफिकेशन है वो कॉन्टैक्टलेस मैनर में हो रहा है, तो जो क्रेडिट असेसमेंट होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अप टू 15 डेज। ओके, और जो टेक्नोलॉजी का यूज है दैट विल हेल्प फार्मर्स विद एग्जिस्टिंग क्रेडिट टू एनहांस देयर एलिजिबिलिटी, जो ऑलरेडी ऐसे फार्मर्स हैं जिनका क्रेडिट है वो अपनी एलिजिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, उनका जो लोन अगर मान लो आज 10 लाख का है तो वो बढ़ के 15 लाख का हो सकता है, एंड न्यू टू क्रेडिट फार्मर्स कैन गेट बेटर एक्सेस टू द क्रेडिट। ओके, सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ दिस मूव, एंड नाउ therefore the correct answer is what, option B, ICICI. And now let's move on to question number 5, which is about the BRICS innovation base in China. So China is actively considering the establishment of a BRICS innovation base in China in order to strengthen practical cooperation with the BRICS. So the question is, which country are not interested in this move? Inme se kaun si country aisi hai jo ki is move mein interested nahi hai? So China recently has announced that it is considering the establishment of a BRICS innovation base in China, ताकि वो BRICS countries के साथ अपना practical cooperation को strengthen कर सके, okay? And this innovation base will take forward 5G and AI cooperation among the 5 countries, okay? And ये जो पांचों countries हैं China में तो बनी रहा है, इसके अलावा जो 4 countries हैं Brazil, Russia, South Africa और India, इनके क्या क्या views हैं towards this move of China? So अगर हम India की बात करते हैं, so India का ये कहना है दैट दिस मूव कुड पोज अ कोनंड्रम बिफोर इंडिया हु इज हैविंग इश्यूज विद चाइना इन रीसेंट टाइम, बट अदर कंट्रीज जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है चाइनाज पार्टिसिपेशन इन देयर 5G नेटवर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया की बात करते हैं, तो रशिया इज अग्रीड टू वर्क विद चाइना ऑन 5G एंड विद चाइनीज टेली कम्युनिकेशन फर्म हुआवी के साथ उन्होंने एग्री कर दिया है, चाइना के साथ भी एग्री कर दिया है दैट दे विल वर्क ऑन 5G विद चाइना। एंड इसके अलावा अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो साउथ अफ्रीका में जो हुआवी है वो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है टू 3 ऑफ इट्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन द रोलिंग आउट ऑफ 5G नेटवर्क्स। और अगर ब्राजील की भी हम बात करें, तो ब्राजील ने भी हुआवी की जो पार्टिसिपेशन है उसको मंजूर कर दिया है, उसको अलाउ कर दिया है। और अगर हम ब्राजील का नंबर देखते हैं, सो इन ब्राजील मोर देन अ थर्ड 4G नेटवर्क ऑपरेटर्स यूज हुआवी इक्विपमेंट। सो इंडिया के अलावा सभी कंट्रीज ने इसको इस पे अग्री कर दिया है, उसको उनको कोई समस्या नहीं है। ओके, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सो इंडिया इज अनलाइकली टू अलाउ चाइनीज पार्टिसिपेशन इन 5G पर्टिकुलरली इन टुडेज सिचुएशन व्हेन वी हैव बैंड 59 चाइनीज ऐप। इसके अलावा कुछ इंडियन इंटेलिजेंस असेसमेंट है, उनका यह कहना है कि कुछ चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लिंक है विद द चाइनीज मिलिट्री, सो ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। एंड इंडिया ने यह क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलसी तब तक नहीं लौटेगी जब तक कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जो टेंशन है उनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइस, इंडिया। सो ऑप्शन ए ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन गाइस, एंड आज फ्राइडे था और मैं आपके सामने क्विज नहीं लेके आया, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पूरे मंथ के जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो लेके आऊंगा एक साथ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके लिए रिविजन वीडियो की तरह वर्क करेगा, एंड आप उस टाइम उसको एज अ क्विज ले सकते हैं। And for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.